तिलोत्तमा अप्सरा अपने आप में श्रेष्ठ अप्सराओं में गिनी जाती है और यह अप्सरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में साधक की सहायता करती रहती है। यहाँ पर प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता से अर्थ है कि वह साक्षात साधक के साथ रहकर के भी उसकी सहायता कर सकती है और छुपे रहकर के भी वह साधक की सहायता करती है। यह साधना काफ़ी सरल है और अत्यंत ही जल्दी शुद्ध होने वाली साधना है, क्योंकि तिलोत्तमा अप्सरा साधना में समय की सीमा ज़्यादा नहीं है। 2 या 3 दिन में यह अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति मनुष्य को करा देती है। लेकिन वह जो सुख की प्राप्ति होगी वह एक सीमा तक होगी, अर्थात कोई अनचाहा कार्य इस साधना से संपन्न नहीं किया जा सकता। साधना में 1 या 2 दिन बाद तिलोत्तमा अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण और श्रम साध्य करना, अर्थात उसको सिद्ध करना, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह एक दुर्लभ शक्ति है और उसको सिद्ध करने के लिए काफ़ी प्रयास और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने मन, अपने आत्मा और अपने शरीर को पूर्णतः पवित्र बना करके शुद्ध विचारों से भरना होता है। उसके बाद ही हम अप्सरा तिलोत्तमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः अप्सरा साधना की सबसे बड़ी जो सफलता है वह उसकी गोपनीयता ही है। अगर आप गोपनीयता नहीं बना करके रख पाए तो किसी भी साधना, खास करके अप्सरा साधना, को सिद्ध कर ही नहीं सकते। कलयुग में अप्सरा साधना को एक बार सिद्ध करने का प्रयास हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार करना ही चाहिए। इन साधनाओं की अच्छी बात यह है कि इन साधनाओं को साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, अर्थात किसी पंडित तांत्रिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी उच्च कोटि के साधक भी ना हो, सामान्य मनुष्य भी इस साधना को संपन्न कर सकता है। तो आज मैं तिलोत्तमा अप्सरा को सिद्ध करने का पूरेतः जो पूरा विधि विधान है उसको बताने का मैं प्रयास करूँगा कि साधक स्नान कर ले और स्नान करने के बाद रात्रि ठीक 10 बजे के बाद साधना को शुरू करना चाहिए। रोज़ दिन में एक बार स्नान करना अत्यंत आवश्यक है और पूर्णतः स्नान स्वच्छता से निवृत्त होकर जो सामग्री आपको लेनी है, एक कंबल, आसन, अप्सरा और स्त्री के प्रति सम्मान आदर होना चाहिए। अप्सरा गुरु धार्मिक ग्रंथों और विधि में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, नहीं तो सफलता मिलना अत्यंत ही मुश्किल है। अविश्वास का साधना में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी भी शास्त्रों में अर्थात अप्सराओं में या किसी पर अगर विश्वास नहीं है तो साधना संपन्न हो ही नहीं सकती। साधना का समय एक ही रखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि साधना एक ही समय में हो। समय परिवर्तन और स्थान परिवर्तन साधना के समय में नहीं करना चाहिए, यह पूर्णतः निषेध है। साधना करते समय, मंत्र जप करते समय जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माला को लाल या किसी अन्य रंग से ढककर ही मंत्र जप करना चाहिए और मंत्र जपते समय माला में जो अलग से एक दाना लगे होते हैं सुमेरु को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जब दूसरी माला शुरू हो तो आखिरी माला आखिरी दाने मन के को पहला दाना मानकर जब शुरू करना चाहिए। जो सामग्री हम साधना को संपन्न करने से पहले लेंगे, सिंदूर, चावल, गुलाब, पुष्प, चौकी, नैवेद्य, पीला आसन, धोती या कुर्ता, कुर्ता पजामा, इत्र, जल पात्र में जल, चम्मच, एक स्टील की थाली, मौली, कलावा, अगरबत्ती, एक साफ कपड़ा बीच बीच में हाथ पोंछने के लिए लिया जा सकता है, शुद्ध देसी घी और चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध, यह सभी तिलक करने के लिए अत्यंत आवश्यक। तो मैं बता रहा हूँ कि स्वसाधना की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। गुरु के मुख से पूर्णतः दीक्षा प्राप्त कर किसी भी शुक्रवार से
यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और रात्रि में 10 बजे के बाद ही इस साधना को संपन्न करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से यह साधना प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्रोच्चारण करने से पूर्व आसन को, समस्त सामग्रियों को, अपने शरीर को शुद्ध करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वास्थामगतोऽपि वा या स्मृतिपुण्डिकाक्षं शैवायैव मन्त्रास्ति। बोलते हुए आसपास जल छिड़कना चाहिए और समस्त सामग्रियों को शुद्धता प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद अपनी शिखा व चोटी में एक गांठ लगाते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समिविनता इष्ट देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिधम कुरुष्वा में। और उसके बाद अपने माथे पर कुमकुम या चंदन का तलक करना चाहिए। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशम अपदा हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिरतम सर्वदा। अपने सीधे हाथ से आसन का कोना जल कुमकुम थोड़ा डाल दें और कहें, ओम पृथ्वी तव्याद तथा लोका देवी तवम ऋषूणाता तवम चय धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासन। और इन सारे मंत्रों का उच्चारण और सारे विधियों को संपन्न करने के बाद साधना में संकल्प लेना अत्यंत ही आवश्यक है। और जो हम संकल्प का प्रयास करेंगे या जो संकल्प लेंगे वह इस प्रकार से बोलेंगे। सभी लोग अपने दाहिने हाथ में जल लें और बोलें, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक के व्यक्ति में यथार्थ में अपना नाम लेना है, गोत्र में जन्मा हूँ, अपने गोत्र का नाम, यहाँ आपके पिता का नाम बोलेंगे सभी का, मैं पुत्र हूँ और यहाँ आपका नाम था, जब अपना नाम लेंगे और नाम लेने के बाद ही मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरा पिता ये है। आज सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए देवी तिलोत्तमा अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरुजी की पूजा, देवी तिलोत्तमा अप्सरा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा और प्रेमी का रूप में प्राप्ति यथा या जिस भी रूप में उनको प्राप्त करना चाहते हैं वह बोलेंगे कि प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, जिससे देवी तिलोत्तमा अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दें और मेरी आज्ञा का पालन करती रहे, साथ ही मुझे प्रेम धन धान्य और सुख प्रदान करें और सामग्री और जल को धरती पर छोड़। फिर उसके बाद गणपति पूजन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी साधना को शुरू करने से पहले भगवान गणपति का आराध्य और पूजन शुरू करते हैं और निम्न मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभ्य नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्य नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आभ्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि। गुरु पूजन कर ले, कम से कम गुरु मंत्र की चार माला करना अत्यंत आवश्यक है और गुरु का आदेश प्राप्ति के लिए बोले, आदेश गुरु को, आदेश जी गुरु आदेश प्राप्त करें और गुरु माला पांच बार संपन्न करें। फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्रीं गायत्र्ये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्हन महादेव गणपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शुचि पुरंद्रबलाभ्यां नमः। ओम सर्वेभ्यो देव्यो भय नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमः। ओम ब्रह्म भैरवाये नमः का 21 बार जाप करना अत्यंत आवश्यक है। जब अप्सरा का ध्यान करें और सोचें कि वो आपके सामने है, दोनों हाथों को मिलाकर, हाथ फैलाकर उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रार्थना करें और जो मैं बीज मंत्र की दीक्षा आपको अभी दे रहा हूँ और उस मंत्र की ही 21 माला जाप रात्रि में गुलाब के फूल चढ़ाते हुए करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए एक एक गुलाब थाली में चढ़ाते जाएं और ध्यान करें अप्सरा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ ही हैं, और उनसे प्रार्थना करें, हे सुंदरी तुम तीनों लोगों को मोहने वाली हो, तुम्हारे देह रंग के कारण अत्यंत चमकती हुई हो, तुमने अनेकों अनोखे अनोखे गहने पहने हुए और बहुत ही सुंदर और अनोखे वस्त्र को पहना है। आप जैसी सुंदरी अपने साधक की समस्त मनोकामना को पूरी करने में जरा सी भी देर नहीं करती। ऐसी विचित्र सुंदरी तिलोत्तमा अप्सरा को मेरा कोटि कोटि नमन। इन गुलाबों के सभी गंध से तिलक करें और अपने आप को भी तिलक करें, और निम्न मंत्र का उच्चारण करते जाएं, मौली या कलावा चढ़ाएं और बोले, ओम अपूर्व सौंदर्याय अप्सराय सिद्धये नमः। कलावा या मौली चढ़ा दें। वस्त्रम समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। गुलाब का इत्र चढ़ाएं। गंधम समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। फिर चावल चढ़ाएं जो खंडित ना हो, पूर्णता संपूर्ण हो। अक्षतान समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। पुष्प समर्पित करें। पुष्पाणी समर्पयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। अगरबत्ती से उपम दे धूपम अर्घपयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। दीपक देसी घी का उसके लिए उच्चारण करेंगे, दीपकम दर्शयामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। मिष्ठान चढ़ाते हुए नैवेद्यम नैवेद्यामि ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। फिर पूजा समाप्त होने पर सभी मिठाइयों को स्वयं ही ग्रहण कर लें। पहले एक मीठा पान जिसमें कि पान इलायची लौंग गुलकंद हो, वह अप्सरा को अर्पित कर दें और स्वयं एक खाए। साधना के समय में स्फटिक की माला का प्रयोग करना होगा और 21 माला प्रति रात्रि को जपनी होगी लगातार 11 दिन तक। और जिस मंत्र का जाप हमको करना है वह ओम क्लीम तिलोत्तमा अप्सराय मम वशमनाय क्लीम फट। ओम क्लीम तिलोत्तमा अप्सराय मम वशमनाय क्लीम फट। यहाँ देवी को मंत्र जब समर्पित कर दें, क्षमा याचना करें, जब के बाद में यह माला को पूजा स्थान में ही रख दें। मंत्र जप के बाद आसन पर 5 मिनट बैठे, एकदम से आसन को ना छोड़ें और फिर से गुरु का ध्यान करते हुए बोले, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ओम ईश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्य नमः। ओम श्री गुरुभ्य चरण गुरुभ्य नमः। यदि कर सके तो फिर से पूजन को करना चाहिए और अंतिम दिन जब अप्सरा दर्शन दे तो फिर मिठाई इत्र आदि अप्सरा को अर्पित करना चाहिए। अपने मन के अनुसार जो आपकी इच्छा हो उससे वचन लेना अत्यंत आवश्यक है और प्रणाम कर आसन से उठें और अप्सरा को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वार्ता प्रारंभ कर सकते हैं। साधना में जो ध्यान रखने वाली विशेष बातें हैं, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और अपनी जीभा को साफ रखना चाहिए, अपने विचारों को भी साफ रखना चाहिए। साथ ही अप्सरा के प्रति कोई भी गलत भावना अपने मन में नहीं होनी चाहिए। पूर्णतः मल मूत्र त्याग कर और सभी चीज़ों से निवृत्त होकर ही, मन में शांति लेकर ही साधना को प्रारंभ करें। मन में किसी प्रकार का अन्य विचार साधना के समय में लाना साधना को खंडित करता है। किसी भी प्रकार का मांसाहारी सेवन, मांस शराब अंडा नशे तंबाकू तामसिक भोजन आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उबासी लेना, आलस्य दिखाना, नींद आना, डरना, थूकना, लिंग को हाथ लगाना, यहाँ तक कि इधर उधर देखना, घूमना, सिर हिलाना भी साधना के समय में पूर्णतः वर्जित है। किसी भी परिस्त्री को नहीं देखना, उसके विचार मन में लाना, यह पूर्णतः साधना को खंडित करता है। जय श्री।